गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। द नवम अष्टम पाठ आपने देखा, ये नवम पाठ है। इसका शीर्षक है सुप्त्या। सुप्त्या मीन्स सु प्लस उक्ति। सु माने अच्छी, उक्ति माने वचन, अच्छे वचन। ठीक, ये सारे अच्छे वचन है। ठीक है, पहला देखो इसमें बेटा 15 श्लोक है। ठीक है, दो पार्ट में बता रही हूँ। पहला है कुरन्येव कर्मणि जी जीवस्ते सतम समा। कहे मनुष्य को इस संसार में, मनुष्य को इस संसार में सतम माने 100 वर्षों तक, सतम में 100 वर्षों तक कर्म को कुरन्येव माने करते हुए जी जीवस्ते माने जीने की इच्छा करे। मनुष्य इस संसार में मनुष्य अच्छे कर्म को करते हुए 100 वर्षों तक, पुण्य माने कर्मों को करते हुए 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करे। दूसरा देखिए बेटा, नास्त उद्यम समो बंधु माने परिश्रम, ना माने नहीं, उद्यम माने परिश्रम के, समो माने समान, बंधु माने भाई बंधु। ठीक है, कह रहे परिश्रम के समान इस संसार में कोई भी बंधु नहीं है, भाई बंधु नहीं है, अर्थात परिश्रम करते रहेंगे वो सब अपने भाई बंधु हैं। ठीक, तीसरा देखो आलसम ही मनुष्याणाम शरीरो स्थो महान विभु। मनुष्य के शरीर में स्थित आलस ही सबसे बड़ा शत्रु है। मनुष्य के शरीर में आलस ही सबसे बड़ा विभु माने शत्रु है। धर्मार्थ काम चौथा बेटा, धर्मार्थ काम मोक्षण आरोग्यम मूलम उन्नता। धर्मार्थ धर्म के लिए, धर्म अर्थ काम मोक्ष आरोग्य माने निरोगता। धर्म अर्थ काम मोक्ष और आरोग्य में निरोगता, ये उत्तम मूल है, मूल उत्तम, यह उत्तम मूल्य है। पांचवा देखो, नाराज के जनपदे योग क्षेम प्रवर्तते। नाराज के माने राजा से रहित या राजा के बगैर जनपद की रक्षा योग क्षेम माने रक्षा नहीं होती है। राजा के बगैर, अगर राजा नहीं है किसी देश का तो वहां की सुरक्षा होगी नहीं होगी, है ना। तो कह रहे जनपद, राजा के बिना जनपद की रक्षा नहीं होती है। छठा देखो, जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी। जननी और जन्मभूमि चमने और हो जाएगा, जननी और जन्मभूमि स्वर्गादपि माने स्वर्ग से भी, द जो है आ हो जाएगा, स्वर्ग से भी गरीयसी माने बढ़कर है। जननी और जन्मभूमि किससे बढ़कर है, स्वर्ग से भी बढ़कर है। सातवां देखो, अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेनम मोहयन्ति जन्तवः। ज्ञान रूपी अज्ञान जो है वो अज्ञान रूपी अंधकार से आवृत होने ढका हुआ है। ज्ञान जो है वो अज्ञान से ढका हुआ है और तेन उससे जन्तवः माने सभी मनुष्य मोहित होते हैं। ज्ञान जो है वो अज्ञान से ढका हुआ है, उससे ही सभी मनुष्य मोहित होते हैं। ठीक है बेटा, अभी आठवां देखो, अतिभुक्त अति उक्तम व्यसनेन उत्पद्यते। अति माने अत्यधिक, भुक्तम माने खाना, अत्यधिक खाना और अत्यधिक बोलना, बहुत अधिक खाना और बहुत अधिक बोलना, ये व्यसनेन माने बुरी आदत उत्पद्यते माने आदत को उत्पन्न करता है, जन्म देता है। अधिक खाना और अधिक बोलना ही ये बुरी आदत को जन्म देता है। ओके बेटा, ये फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट अब देखो। ओके, हम तो 32 जी